आदिवासी मीणा समाज और राष्ट्र को शिक्षा की संजीवनी देकर प्रगति के नए पथ पर आगे बढ़ाने वाली अखिल भारतीय श्री मीणा सामाजिक एवं शैक्षणिक समिति द्वारा शिक्षा नगरी कोटा में जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय के निर्माण और विकास का संकल्प अब साकार हो रहा है। देश के किसी भी सामाजिक संस्थान का सबसे तेज गति से तय समय में पूरा होने वाला ये बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय के रूप में आपके सामने है। विजनरी मैन ऑफ एजुकेशन एंड सोसाइटी लक्ष्मण मीणा, श्री आरडी मीणा की सूझबूझ और समर्पित भाव से अखिल भारतीय श्री मीणा सामाजिक एवं शैक्षणिक समिति के अध्यक्ष लक्ष्मण मीणा, कार्यकारी अध्यक्ष महावीर मीणा, उपाध्यक्ष कमला मीणा और पूरी टीम के द्वारा इस मिशन को पूरा करने में तन मन और धन का समर्पण रहा है। राजस्थान के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा 8 अगस्त 2021 को जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय के निर्माण का शिलान्यास किया गया और इसे तय समय में पूरा करने का संकल्प लिया गया। जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय रानपुर कोटा का शिलान्यास जो सपना देखा था लक्ष्मण मीणा जी ने, आरडी मीणा जी ने, इनके सहयोगी ने, तो तमाम समिति के लोगों ने, वो सपना आज पूरा होने जा रहा है। विद्यालय भी जैसे कहा गया है 15 करोड़ की लागत से बनेगा, समयबद्ध रूप से आप उस काम को पूरा करेंगे। इतना बड़ा काम आपने हाथ में लिया है विश्वविद्यालय का, तो आपको किस रूप में सरकार से वो कर सकती है, उस भावना के साथ हम आगे बढ़ेंगे, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। मैंने देखा है हमेशा मीणा समाज शिक्षा में जोड़ देता है, जो शिक्षा में जोड़ देंगे वही समाज आगे बढ़ पाएगा, ये मेरा मानना है। नॉलेज इज पावर, जिसके पास ज्ञान है वो ज्यादा पावरफुल है। देश का ये पहला विश्वविद्यालय है जिसमें गरीब आदिवासी विद्यार्थियों के लिए 50% सीटें आरक्षित रखी गई हैं। विश्वविद्यालय संचालन के लिए राजस्थान विधानसभा में इसी सत्र में विशेष अधिनियम पारित होने जा रहा है जो आदिवासी समाज के लिए सुनहरा भविष्य तय कर रहा है। विश्वविद्यालय के अत्याधुनिक कैंपस के प्रथम चरण में 10,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में प्रशासनिक भवन, स्वागत कक्ष, कुलपति सचिवालय, रजिस्ट्रार कार्यालय, परीक्षा एवं प्रवेश विभाग, वित्त एवं लेखा विभाग, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और सभागार का निर्माण किया गया है। गौरतलब है कि राजस्थान के विजनरी और शिक्षा प्रेमी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने आदिवासी मीणा समाज के नव निर्माण और उत्थान के लिए यूआईटी की ओर से वर्ष 2012 में आदिवासी विश्वविद्यालय के लिए 30 एकड़ यानी 75 बीघा भूमि रियायती दर पर आवंटित की थी। आवंटन होने के बाद 30 जून 2021 को राज्य सरकार द्वारा एलओआई प्रदान की गई और 18 जुलाई 2021 को रानपुर में IIIT के सामने जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय की नींव का मुहूर्त रखा गया। 8 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसका वर्चुअल समारोह में विधिवत शिलान्यास किया और कार्यक्रम की अध्यक्षता नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने की। इस अवसर पर प्रदेश के सभी आदिवासी मीणा समुदाय से जुड़े हुए सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, प्रधान और अन्य जनप्रतिनिधि भी जुड़े और सबने एकजुट होकर विश्वविद्यालय के निर्माण और विकास के लिए प्रतिबद्धता जताई। इस ऐतिहासिक दिन पर जो है इतनी बड़ी उपस्थिति में समाज के बंधु एकत्रित होते हैं, तो मुझे लगता है कि जो काम समाज के द्वारा हाथ में लिया गया है, इस शैक्षणिक समिति के द्वारा हाथ में लिया गया है, निश्चित तौर पर यह समाबद्ध तरीके से जो है वो पूरा होगा।
जो लोग जागरूक होकर के जो है आगे आए हैं और जिन्होंने बीड़ा उठाया है इस आदिवासी विश्वविद्यालय को बनाने का, उनको भरपूर सहयोग उनके द्वारा मिलेगा, मुझे इस प्रकार की आशा है। मैं इस संस्था को आज से नहीं करीब करीब 15-16 साल पहले से पूर्व से जानता हूँ। अपने समाज के प्रति और समाज के उत्थान के प्रति निश्चित तौर पर जो है इनके द्वारा किए गए कामों को सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के लिए जो काम जो ये करने हैं, निश्चित तौर पर इनको सफलता मिलेगी। जनजाति समाज के रीति रिवाज, साहित्य और संस्कृति को संरक्षण देने के लिए जो ये काम कर रहे हैं, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। विश्वविद्यालय के लिए राज्य सरकार के स्तर पर यथाशीघ्र कार्य कराने में कैबिनेट मंत्री रमेश मीणा का विशेष योगदान रहा है। जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय के निर्माण और विकास को लेकर जयपुर के इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में भी प्रदेश स्तरीय आयोजन किया गया, जिसमें समाज के राजकीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने दिल खोलकर सहयोग दिया। अखिल भारतीय श्री मीणा समाज एवं शैक्षणिक समिति की ओर से प्रतिवर्ष श्री भैरवलाल जी काला बादल शिक्षा सहायता योजना और श्री लक्ष्मी नारायण झरवाल छात्रवृत्ति योजना के तहत समाज के जरूरतमंद होनहार विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि भी वितरित की जा रही है। समिति की ओर से कोटा में श्री मीणा बालिका छात्रावास, मीणा अध्ययन केंद्र, जयपुर के प्रताप नगर में श्री आदिवासी मीणा बालिका छात्रावास, दौसा में श्री मीणा छात्रावास समेत देश भर में शिक्षा और सामाजिक सरोकारों के बड़े केंद्र भी विकसित हो रहे हैं। जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय के निर्माण और विकास के लिए अखिल भारतीय श्री मीणा सामाजिक एवं शैक्षणिक समिति के उपाध्यक्ष रामचरण मीणा, पूर्व जिला प्रमुख भारत मारन, संभागीय अध्यक्ष रामस्वरूप मीणा, मनोर थाना के पूर्व विधायक कैलाश मीणा और समिति से जुड़े समस्त सक्रिय पदाधिकारियों के नेतृत्व में कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिलों के गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक शिक्षा की अलख जगाते हुए सहयोग राशि जुटाई गई। अब तक समिति के बड़े दानदाताओं के रूप में कैलाश जी मीणा कांस्या वालों ने सर्वाधिक 51 लाख रुपए, कौशल्या पुरुषोत्तम मीणा कचोलिया ने 31 लाख रुपए और मांगीलाल मीणा कोटा ने 21 लाख रुपए का समर्पण किया है। इसके साथ ही देश प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी विश्वविद्यालय को लेकर कैंपेन चलाया गया, जिसमें सभी लोगों ने यथोचित रूप से अपनी सामर्थ्य के अनुसार भरपूर सहयोग दिया है। जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय की इस सफलता के स्वरूप को देखकर हम सभी गौरवान्वित हैं।